हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 27 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पाली न्याय क्षेत्र के इलाके में 28 लोक पदार्थों का संचालन किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित की गई लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामलों को लेकर दोनों पक्षों के साथ बिठाकर उनका निस्तारण करवाया गया है। एल लोक अदालत शर्मा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के साथ साथ राज्य विधिक प्राधिकरण की भी लोक अदालतों के जरिए कोर्ट में एक दूसरे की समझाई से समाधान की ओर बढ़ने वाले मामलों का निस्तारण करवाया जा रहा है। लोक अदालत को लेकर विधिक प्राधिकरण के सचिव और न्यायिक अधिकारी शरद व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित होने वाली लोक अदालतों का सार्थक परिणाम सामने आ रहा है। लोक अदालत के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि पक्षकारों के जो मामले हैं वो आपसी राजीनामे से निपटे, क्योंकि आपसी राजीनामे से मामले निपटने पर न केवल मुकदमा समाप्त होता है बल्कि विवाद वे पक्षों के मध्य खत्म होता है और उनके मध्य संबंध भी जो है मधुर बने रहते हैं। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजीनामे से जब मामला निपटता है तो उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती है, आगे आगामी मुकदमेबाजी का अपने आप ही अंत हो जाता है। इसी बात को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष की ये चौथी हम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पाली न्याय क्षेत्र के उन सभी स्थलों पर कर रहे हैं जहाँ पर कि न्यायालय अवस्थित है। मैं बताना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पाली न्याय क्षेत्र में 23 लोक अदालतों का बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 8 बेंचें पाली मुख्यालय पर बनी हैं। इस लोक अदालत में न केवल उन मामलों को रखा गया है जो कि न्यायालय में लंबित है, बल्कि उन मामलों को भी हमने रखा है जो कि आगे भविष्य में आ सकते हैं, जिसको हम प्री लिटिगेशन मामले कहते हैं कि लिटिगेशन से पहले ही। तो वित्तीय संस्थानों के बैंकों के करीब हमारे पास 1150 मामले अभी पूरे पाली जिले में हैं, जो कि यदि आज उनमें राजीनामे से अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ये आगे जाके कभी कोर्ट में नहीं आएंगे, उनका कोर्ट में आने से पहले ही उन विवादों का राजीनामे से निपटारा हो जाएगा। इस वर्ष की चौथी है लोक अदालत है और हम प्रयास करेंगे, हमने जो पिछली बार जितने मामले निपटाए थे उससे अधिक और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हम करें। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।